राजश्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टेली खजाना में। आज अपने आउटफिट के बारे में बताइए। आज आपका आउटफिट बहुत ही प्यारा लग रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने आउटफिट के ऊपर? देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से आज मैं रेडी हुई हूँ। मेरा ये फेवरेट है, मुझे सिल्वर ज्वेलरी बहुत पसंद है। अगर आप देखो मेरे गले में, मेरे हाथों में, मेरा मांग टीका, मैं आपको पूरा आउटफिट दिखाना चाहूँगी घुमा के। सो मुझे इस तरीके के आउटफिट बहुत पसंद है, मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। मैं प्रॉपर इंडियन संस्कृति को बहुत मानती हूँ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुझे इंडियन में ही देखते होंगे और मुझे बहुत पसंद है। राजश्री जी, आज आप माता जी का दर्शन करने आई हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगी? क्या था? बहुत अच्छा लग रहा है माता का दर्शन करके। आज नवरात्रि का कौन सा दिन चालू है? पांचवा दिन चालू है। आज पांच पूरे व्रत हो चुके हैं लोगों के, मेरे तो खैर एक ही हुआ था। मैं फर्स्ट और लास्ट ही कर रही हूँ, बीच के व्रत मैं कर नहीं रही हूँ। बट मैं गार्लिक नहीं खा रही हूँ, ऑनियन नहीं खा रही हूँ, और हो सके उतनी मैं भक्ति कर रही हूँ। आज माता के पंडाल में आके आज जो मैंने माता का रूप देखा है, जो पावरफुल शक्ति है माता की आँखों में, वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी उतर गई है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कहीं ना कहीं आप कुछ खुलासा भी करने वाली थी, तो क्या था पूरा मामला बताइए। खुलासा तो खैर आज ये माता के पंडाल में बोलना सही नहीं लगेगा। आज यहाँ हम भक्ति करने के लिए आए हैं, तो मुझे लगता है मैं कल तक सारी चीज़ें बता दूंगी आप लोगों को। थोड़ा तो कुछ मैम हिंट दीजिए कुछ भी। हिंट तो एक ही है, राखी सावंत, उनका मुंह बंद नहीं हो रहा है, और उनका मुंह बंद करने के लिए मुझे अब बड़ा ताला खरीदना पड़ा है। पहले मैंने एक FIR की। FIR करना बहुत बड़ी बात होती है, FIR कोई नॉर्मल चीज़ तो है नहीं। उसके बावजूद राखी दीदी चुप नहीं बैठ रही है, तो अब मैंने उनके लिए बड़ा ताला खोला है। जो मैंने बड़ा ताला लिया है, जो अब उनके मुँह पर लग जाएगा। तो क्या कुछ, अगर अभी सुनने में आ रहा है कि राखी जी भी यहाँ पे दर्शन करने आ रही हैं, तो क्या अगर आमना सामना हो तो क्या होगा? जी, मैंने भी अभी सुना कि राखी अभी माता के पंडाल आने वाले हैं। ज़रूर आना चाहिए, माता का घर हर किसी के लिए खुला हुआ है। हालांकि उनको ज़्यादा बुद्धि की ज़रूरत है, माता के आशीर्वाद की ज़रूरत है। अगर वो माता का आशीर्वाद ले ले तो उनकी बुद्धि चलेगी और हमारे बारे में गलत बोलना वो बंद कर दे। कहीं ना कहीं कुछ गाड़ी का मामला भी सामने आया है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके ऊपर? देखिए, वो गाड़ी तो उन्होंने जानबूझ के किया है, मैं ये बात जानती हूँ। वो जानबूझ के मैकेनिक के पास लेके जाना, वो दिखाना, अगर उनकी गाड़ी सच में बंद होती ना तो वो मीडिया को नहीं बुलाते। वो चुपके से अपना काम ख़त्म करते, गाड़ी घर घर के नीचे रख देती। उसको शाबाश से नई गाड़ी चाहिए, इस वजह से उसने नया पूरा ये नाटक किया है, ये रचा है, पूरा स्क्रिप्टेड है। उसने जानबूझ के पूरे मीडिया को बुलाया है, दिखाया है कि देखो ये तो डब्बा गाड़ी है, तो मैं 2 किलोमीटर धक्का मार के लेके आई हूँ, रात के 3 बजे की बात है। उन्होंने ये बात बोली है, बल्कि ये झूठ बात है, सरासर झूठ है। ये इवनिंग की बात थी, ये सब कुछ जो हुआ था। तो खैर, उनको शाबाश से नई गाड़ी चाहिए और वो इस तरीके से ब्लैकमेल करके नई गाड़ी लेना चाहती है। कहने के वो बोल रही कि आज मैं भिखारी हो गई, मैं फिर से रोड पे आ गई, तो क्या कुछ कहेंगे उनके बारे में? देखिए, ना वो कल भिखारी थी ना वो आज भिखारी है। अपने आप को भिखारी कहना सरासर गलत है, उनको ये सब शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हम जो बोलते हैं वो हमारे साथ हो जाता है, बट राखी वो बात क्यों नहीं समझती है मुझे पता नहीं। और माता जी का मतलब अभी 5 दिन बाकी है, तो और क्या आपका प्लानिंग है दशहरे का? जी, मैं पूरे बचे हुए ये 4-5 दिन पूरा अच्छे से इंजॉय करना चाहूँगी। रोज़ एक नई ड्रेस पहन के गरबा करने के लिए जाऊँगी और फुल ऑन धमाल करूँगी। रोल